हो सकता है आज के वीडियो में आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी मोटी लगे क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी और इसी वजह से वीडियो में नहीं डाल पा रहा था। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक नए क्रिएटर हैं या फिर आप शुरू शुरू अपने चैनल को ग्रोथ करना चाह रहे स्टार्टिंग दौर पर हैं भी आप, तो आपको भी इस चीज़ की जानकारी होना जब बहुत ज़रूरी है कि आखिर YouTube पर शुरुआती जो वीडियो होती है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, मतलब कितने मिनट के हम वीडियो बनाएं जिससे हमारा वीडियो जल्दी ग्रो हो जाए और व्यूज़ अच्छी खासी आनी चाहिए। गाइस, हर एक नए यूट्यूबर के मन में ये सवाल चलता है कि अगर हम यूट्यूब पर कितनी लंबी वीडियो बनाएं, एक मिनट, दो मिनट, तीन मिनट, पाँच मिनट, आठ मिनट, दस मिनट, हम कितने मिनट की वीडियो बनाएं अपने चैनल के लिए जिससे हमारे चैनल की जो वीडियो है उस पर व्यूज़ अच्छी खासी आ जाए। लेकिन इस डाउट को क्लियर करने वाला कोई नहीं है, तो आज के वीडियो में आपको यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि आखिर YouTube की जो वीडियोस होती है तो इस शुरुआती में हम कितने कितने मिनट की वीडियो बनाएं जिससे हमारे चैनल की जो वीडियोस है उस पर अच्छी खासी व्यू ड्यूरेशन जानी चाहिए, अच्छी खासी व्यूज आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका एडवांस हेल्प यूट्यूब चैनल पर। चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर आपका चैनल बिल्कुल नया है, आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, तो इस कंडीशन में आपकी जो वीडियो है उसकी लेंथ कम से कम 5 से 8 मिनट की होनी चाहिए। आप कुछ भी बताइए वीडियो पे, लेकिन आपका जो वीडियो है वो 5 से 8 मिनट की होनी चाहिए। और 5 से 8 मिनट में आपको वीडियो के अंदर कोई सस्पेंस क्रिएट करके रखनी है, मतलब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा। आप देखे होंगे कोई भी मूवी होती है तो उस पर इतने ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर देते हैं कि हाँ अब इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद क्या आने वाला है, इसके बाद क्या होगा। तो इस तरह से आपको 5 से 8 मिनट की वीडियो बनानी है और उस वीडियो में सस्पेंस क्रिएट करके रखनी है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इसमें क्या होगा, जितने भी 8 मिनट से ऊपर या फिर 8 मिनट की जो वीडियो होती है उसमें क्या होता है, जो व्यू ड्यूरेशन है ना वो काफ़ी अच्छी जाती है। अगर स्टार्टिंग में आपके चैनल पर 8 से 10 व्यूज भी आते हैं तो यहाँ पर आपका जो व्यू ड्यूरेशन है ना वो काफ़ी अच्छी जाएगा। इससे क्या होगा, यूट्यूब आपके वीडियो को रिकमेंडेशन पर भेजेगा, ज़्यादा लोगों के पास इंप्रेशन भी भेजेगा, जिससे आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो जाएगा और आप अपने चैनल को आसानी से मोनेटाइज कर पाएंगे। तो आपको पता ही है मोनेटाइज के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम होना अनिवार्य है। तो जब आप लंबी वीडियो बनाएंगे, 5 से 8 मिनट की आप वीडियो बनाएंगे, तो यहाँ पर आपका जो व्यू ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा जाएगा, जिसके कारण आपका जो वॉच टाइम है, आपका वॉच टाइम हावर्स है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपको 4 से 6 मिनट की ही वीडियो बनानी है, क्योंकि देखिए YouTube पर 4 से 6 मिनट की जो हम वीडियो बनाते हैं उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आती है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं आपको लाइव प्रूफ यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी मैं जाता हूँ अपने YouTube चैनल पर, देख सकते हैं मेरा खुद का YouTube चैनल है, यहाँ पर मैं जाता हूँ, अपने चैनल को ओपन करता हूँ और यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर मैं जाता हूँ। तो मोस्ट पॉपुलर वीडियो पर अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरी सबसे टॉप वीडियो है वहाँ पर 6 मिनट 58 सेकंड की वीडियो है, 6 मिनट, ठीक है। सेकंड वीडियो की हम बात करते हैं वो भी 6 मिनट 22 सेकंड की है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर 8 सेकंड 26 मिनट की, इसके बाद 6 मिनट फिर है, फिर 7 मिनट है, फिर 5 मिनट है, फिर 4 मिनट है। मतलब 4 से 6 मिनट की जो वीडियो की जो लेंथ है ना, ये काफ़ी अच्छी लेंथ होती है, ये काफ़ी अच्छी यहाँ पर वॉच टाइम आवर्स जाती है। और अगर हम 4 से 6 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो ये ऐसा जो वीडियो होता है ना, ये जल्दी ग्रो कर जाता है, इस पर व्यूज अच्छी खासी आती है। यहाँ पर आपको लाइव प्रूफ भी दिखा दिया। तो आपको क्या करनी है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो आपको 4 से 6 मिनट की ही वीडियो बनानी है और आपको ध्यान देनी है कि इस बीच आपको सस्पेंस क्रिएट करके ही रखनी है। ऐसा नहीं कि जो भी बात हो उसे आप 1 मिनट में खत्म कर दीजिए, बाद दिमाग में आप बस बोर किए जा रहे हैं लोगों को, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सस्पेंस क्रिएट करके रखिए, इससे क्या होगा, आपका जो वॉच टाइम और से अच्छी खासी बढ़ेगी, वीडियो रेशन भी बढ़ते जैसे चले जाएगा, जिससे YouTube आपके वीडियो को ज़्यादा लोगों के पास भेजेगा, इंप्रेशन बढ़ेगी तो व्यूज़ भी बढ़ेगी तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेगी, उसके बाद आपका पैसा भी अच्छी खासी कमाई होने लगेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर आपका चैनल अच्छी खासी चल रही है तो आपको 8 से 10 मिनट की वीडियो ठोकनी है, बनानी है। और अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया सिर्फ अभी आप स्टार्टिंग कंडीशन पे हैं तो 4 से 6 मिनट के जो वीडियो है ना, ये बेस्ट वीडियो होती है। 4 से 6 मिनट मतलब पर्याप्त टाइम होता है, लोग आसानी से आपकी वीडियो को देख पाएंगे और अच्छा खासा आपके टाइम वीडियो पर बने रहेंगे। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि आखिर YouTube पर कितने मिनट की हम वीडियो बना जिससे हमारा चैनल जल्दी ग्रो हो जाए, वीडियो पर ज़्यादा व्यूज आए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में घंटे को भी दबा लेना। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।